चरथावर के बिरालसी में अम्बरीश पुंडीर के आवास पर ठाकुर पूरण सिंह की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि उनका संगठन कई वर्षों से किसानों की सेवा में प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके संगठन के समस्त पदाधिकारी किसान हित की लड़ाई लड़ते हैं, एक रूपरेखा के अंतर्गत जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग जुड़े हैं और अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं। आपको बता दें कि मीटिंग लगभग 2 घंटे चली, जिसमें किसानों के हितों पर चर्चा की गई और दिल्ली जाने वाली पदयात्रा पर भी बातचीत हुई। आपका नाम जी बताइए, जो आने जाने वाली यात्रा है इनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? यात्रा किसान मजदूर अधिकार यात्रा है जो सहारनपुर से दिल्ली जा रही है। जी, किसानों की विभिन्न समस्याएं, करना भुगतान है, बिजली की बड़ी डर है। अभी भी जो किसान लोग भुगतान के मारे परेशान थे, इनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो परेशानी है करने का, उनके बारे में कौन सरकार ने दे दिया उनको? अच्छा, तो परेशानी है, और जब तक मिलता नहीं, अभी तो 35,000 करोड़ रुपया तो करना ब्याज का है, ये तो जो मूल है ये तो बाद की बात है, ये तो मूल ना मिल रहा ना ब्याज मिल रहा भाई। कुछ किसान लोग परेशान होकर ये बिजली घर पर धरना धर रहे थे कि हमारे FR कर दिए है, पैसा इनको मील से नहीं मिला, ये जमा कैसे करेंगे? तो ये तो सरकार की गलत नीतियों का ही कारण है कि आज तक 70 साल में किसान को घोषणाओं पर चुनाव होगा, किसान के लिए होता नहीं बोलता, और जब तक घोषणाओं पर चुनाव होंगे जब तक किसान को कुछ मिलेगा नहीं। किसान को अपना अधिकार लेने के लिए सड़क पर आना पड़ेगा, वो बिजली घर की बात छोड़ दो आप, पूरे भारत में लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो कर्जा माफी के नाम पर करो चाहे बिजली के नाम पर करो, ये छोटी छोटी समस्याएं कर्जा माफी के नाम से शुरू हों और ये फिर ना देने में एक बड़ी बड़ी समस्याएं हो जा, जिनमें जेल जाना एक छोटी समस्या हो सके लेकिन आत्महत्या करना एक बड़ी समस्या जी। सिद्धार्थनगर जिले में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के बाद से जनपद में नो हेलमेट नो पेट्रोल के अनुपालन के लिए प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद कुछ पेट्रोल पंप बिना हेलमेट पहने लोगों को पेट्रोल दे रहे थे, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी दीपक मीना को मिल रही थी, जिस पर जिले के DM और SP ने शहर के एक पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान शिकायतकर्ता की शिकायत की पुष्टि हुई। पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने लोग पकड़े गए, जिनका चालान किया गया। इस दौरान DM दीपक मीना ने पेट्रोल पंप कर्मियों को बिना हेलमेट पेट्रोल ना देने की सख्त हिदायत दी। कि सड़क सुरक्षा सप्ताह स्टार्ट हुआ था, तब से राज्य सरकार की और राज्य की मंशा यही है कि रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जो भी ट्रैफिक के नियम है उनका अनुपालन कड़ाई से करवाया जाए, जिसके ये था कि हेलमेट सब लोग अवश्य पहने। इसमें हमने सभी पेट्रोल पंप को ये अपेक्षा की थी सबसे कि कोई भी हेलमेट बिना किसी को पेट्रोल ना देंगे, जिससे लोगों पे ये प्रेशर भी बने और लोग अपना हेलमेट पहने। उसी क्रम में थोड़ी शिकायत आई थी और ये बोला गया था कि अभी भी पेट्रोल पंप से सर बीच में थोड़ा टाइट रहा, फिर वापस से ढिलाई बढ़ती जा रही है। तो उसी क्रम में मेरे और कप्तान साहब द्वारा यहाँ पर चेक किया गया और कुछ पाया भी गया है कि एक दो लोग यहाँ पर खड़े थे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था, तो उनके जो भी चालान की कार्रवाई करनी है वो करेंगे। बाकी पेट्रोल पंप को सख्त निर्देश वापस से दे दिए गए कि ये ना करें और सब लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें और उनको पेट्रोल दें। बिजनौर के धामपुर में कुएं में सफाई कर्मचारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव रिंकू कुमार का है जो पिछले 4 दिनों से लापता था। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारी का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। वहीं ग्राम प्रधान पति ने बताया है कि ये शव गांव के पास ही खेत में मिला है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। क्या नाम है आपका? मैं विनोद कुमार, प्रधान पति ग्राम चक्षजानी। हमारे गाँव के ही गाँव का ही व्यक्ति एक रिंकू कुमार वाल्मीकि पुत्र ब्रजपाल सिंह के पास के खेत में पड़ा हुआ मिला। इसके 4 दिन से लापता था, आज उसकी लाश बरामद हुई। पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को सूचना दे दी गई और पुलिस मौके पर अभी पहुंची नहीं। एक सब मिलने की सूचना मिली, क्या कुछ कहना है सर इसमें? हाँ, यहाँ ये चक सहानी गांव के प्रधान पति श्री विनोद कुमार जी ने सूचना दी थी कि गांव में एक रिंकू कुमार जो सफाई कर्मचारी है, इसका शव कुएं में पड़ा है। इनके ग्राम वासियों के कहे अनुसार ये अपने इसकी पत्नी 4-5 दिन पहले चली गई थी, उसी के उसमें ये आया था और कुएं में गिर गया है। सबका इसे पंचायतनामा भर के PM हितु भेज रहे हैं और तभी इसकी किसी मृत्यु का सही कारण का पता चलेगा, जो विधिक कार्रवाई करेंगे। जहांगीराबाद के शुभकामना मैरिज होम में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 48 जोड़ों की हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई। सभी जोड़ों को आचार्य पंडित देवदत्त शर्मा ने फेरे दिलाते हुए सामूहिक विवाह को पूरा किया। कार्यक्रम चल रहा है, कौन सी योजना के तहत चल रहा है?
समाज कल्याण विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन प्रत्येक जनपद में किया जाता है। उसी आयोजन के तहत यहाँ पर आज 48 जोड़ों की शादियाँ हुई हैं। इनमें से प्रत्येक जोड़े को 51,000 की धनराशि का लाभ दिया जाता है, जिसमें से 35,000 रुपये तो इनके खाते में दिए जा रहे हैं, 10,000 रुपये का इन्हें नगद सामान दिया जाता है। इसके अलावा 6,000 रुपये आयोजन में व्यय किए जाते हैं। तो इस बार 48 जोड़ों की शादियाँ यहाँ जहीराबाद में। कितने ब्लॉक क्षेत्र के जोड़े आई हैं? ब्लॉक इसमें एक नगरीय क्षेत्र है, बाकी सात यहाँ पर ब्लॉकों की शादियाँ। क्या नाम है सर? मैं नगेंद्र पाल सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के तहत जहांगीराबाद विकास खंड के तहत नगर के शुभकामना मैरिज होम में एक शादी समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे साथ हैं जिनकी शादी हुई है, उनसे बात करते हैं। ऐसी परिवार से क्या नाम है आपका? ज्योति। आज यहाँ शादी में शामिल हुई है, कहाँ की रहने वाली हैं आप? परवानी। कैसा लग रहा है आपको ये शादी करने? क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली। ये शादी कौन सी शादी के लिए आए थे? मुख्यमंत्री समुदाय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के तहत जो शादी हुई है, कैसे लग रहा है आपको शादी में? अच्छा फील हो रहा है। कितनी धनराशि आपको मिली है शादी में? जीरो मिला है। जीरो जीरो मिली है। सही बात। ये थे जोड़ा जिसकी शादी हुई है, ये बता रहे थे इस शादी से हम बहुत खुश हैं। मैं सुल्तान अंसारी, सीएमएन न्यूज, जहांगीराबाद, बुलंदशहर। खबर गंगापुर सिटी से, जहां पिकअप के धसने से लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि गंगापुर सिटी के अंदर चल रहे सीवरेज लाइन कार्य के चलते यातायात व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। सीवरेज लाइन की लाइनें एक तरफ खोलने से पूरा यातायात प्रभावित हो गया है। सर, ये जाम लगने की कुछ वजह क्या वजह है जो इतनी तरीके से जाम लगा हुआ है? सीवरेज का काम चल रहा है, रोड टूटे हुए हैं। जी सर। और ट्रैफिक का दबाव है जी, इसलिए जाम लगता है। जी सर। हमारे व्यवस्था जी सर। बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत मीठड़ा खुर्द के पटवारी खुम्ब सिंह गरीबों से खतौनी के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है। वहीं लोगों को यह भी कहता है कि उनका राजनीति में ज्यादा प्रभाव है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। वहीं अब लोग इसकी शिकायत जिला स्तरीय जनसुनवाई में दर्ज कराएंगे। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के मधुबन बापू धाम में रहने वाले 22 वर्षीय नितिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने आरोप लगाया है कि नितिन को कुछ लोग घर से बुला कर ले गए थे और वह शराब तस्कर है। गाड़ी से वे लोग अलीगढ़ गए, जहां शराब तस्करों ने नितिन के साथ मारपीट कर उसे चलती गाड़ी से फेंक दिया। पुलिस वाले ने फोन किया कि जी यहाँ आ जाओ, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो रखा है। हम वहाँ पहुंचे, हमने इसकी हालत देखी, हमें मालिक ने गाड़ी का, जो मालिक था जिसके साथ ये गया, ड्राइवर था एक और एक हमारा भाई था, उसने कहा कि जी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, आ जाओ। हम पहुंचे वहाँ पे, हमने इसकी हालत देखी, मैंने कहा भैया ये कैसा हुआ? नुका जी पता ना, यूँ का जी गिर गया, हमको बोल रहे गिर गया, लेकिन हमें गिरने जैसी हालत नहीं लग रही उसकी बिल्कुल भी। ड्राइवर कुछ बोल नहीं रहा, बिल्कुल भी सच नहीं बता रहा। मालिक जो था, गाड़ी मालिक, वो ये कहने लगा जी हम गाड़ी छुटाओगे, ड्राइवर छुटाओगे जब मैं तुम्हारा इलाज करा पाऊँगा लड़के का। हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसा नहीं इलाज नहीं कराने के लिए बिल्कुल भी। हमने कहा कि ठीक है भैया, हमें हमारा भाई चाहिए, हमारा इलाज करा दो भैया, कहा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इलाज करा रहा हूँ, 5 दिन वहाँ रखा, वहाँ से रेफर करा दिया दिल्ली के लिए। दिल्ली में किसी ने लिया नहीं, वहाँ बेकदरी हुई। दिल्ली में किसी ने लिया नहीं कि नहीं जी तुमने ऑपरेशन करा लिया, वहीं ले जाओ वहीं ले जाओ। वहाँ 5 दिन उसे ऐसे अस्पताल में से भी बाहर निकाल दिया। एक दिन सड़क पर फेंक दिया उन्होंने अस्पताल वालों ने। किसी का ऑपरेशन हुआ था? सिर का ऑपरेशन हुआ, सिर में खून जम गया था, उसका ऑपरेशन करा। उस दिन से ही होश में नहीं था बिल्कुल भी वो। ग्वालियर में बुधवार को बीजेपी नेता के भाई पंकज सिकरवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश को लेकर करीब आधा दर्जन लोगों ने पंकज सिकरवार पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में पंकज की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हमले के पीछे 2018 में हुए अभिषेक तोमर हत्याकांड की रंजिश माना जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। गोलीबारी की घटना हुई है, इसमें एक व्यक्ति यहाँ जो उसको गोलियाँ लगी हैं मृत लाया गया है, और इस पर से अभी हाल ही की घटना है। उसको घटना किसने की है, कौन लोग हैं, इस बारे में अभी जो उस समय आसपास लोग थे उनसे पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल
पीएम के लिए बॉडी रखी है और उसके बाद मर्डर का मुकदमा करके कायम करके आगे की कार्रवाई करी। मर्डर हुआ है, क्या नाम है सर उसका? पंकज सिकरवार नाम के व्यक्ति की। अब ये आगे पूरा एनालिसिस करने पे काम बात आएगी सामने। सीसीटीवी फुटेज भी आए सामने, अभी देखेंगे उसको सीसीटीवी फुटेज को, फिर करेंगे। अभी हाल की ही घटना है। कितनी गोलियां लगी हैं कुछ? ये अभी ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। अभी तो जो कितनी गोलियां लगी, कैसे पूरी घटनाक्रम हुआ, इसको पूरा खुलासा होने में, पूरी बात आने में थोड़ा समय लगे। तो हत्या का मामला दर्ज हुआ? हत्या का मामला दर्ज करेंगे क्या जो रिपोर्ट होगी? अभी अभी मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर की घटना है हुई, उसके बाद कार्रवाई। फौरी तौर पर क्या मालूम पड़ा, कितने लोग थे? नहीं, फौरी तौर पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है। जब अच्छे से बात करेंगे डिटेल, उसके बाद ही कोई बात बताऊंगा। रमन चौहान वगैरह इन लोगों का नाम आ रहा है कि जो भी गैंगवार होने की आशंका है, क्या जो भी व्यक्ति होंगे वो बयान से और हमारी विवेचना सामने आएंगे, उनकी फिर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। ठीक जी, क्या नाम है उनका? इसका नाम है छोटा मेरा भाई पंकज, पंकज सिकरवार जी। अपनी साइड पर बैठा हुआ था वहाँ पर वैष्णोपुरम पैकदाईपुरा में, और वहाँ पे उसके जो एस पी साहब से हमने कभी मैंने पहले मिला था, हम लोग स्वयं मिले थे साहब से, हमसे हमारी हत्या हो सकती है। हाँ, हमारी हत्या हो सकती है साहब। हमारे जो परमाल तोमर, रमन चौहान और संजय तोमर और अन्य दो तीन लोग और थे जो खुले घूम रहे थे, उन्होंने कहा हम इसको मार देंगे। हमने कहा साहब हमारी हत्या हो सकती है, तो एस पी साहब ने हमको उनका डाटा और जिस पर 15 केस हैं रमन चौहान पर, उसको गार्ड दे रखा है। हमने गार्ड की मांग की, हमें गार्ड नहीं दिया गया। और हमारे ऊपर 302 का मुकदमा झूठा दर्ज हुआ है। एक साल से इंक्वायरी पूरी हो चुकी है, उसमें एसपी साहब जानबूझ के एफआईआर लगा रहे हैं उसमें। नहीं तो रंजिश क्या थी? रंजिश कुछ नहीं साहब, चुनावी रंजिश है, दुश्मनी। हम लोग अच्छा मतलब लोग काम कर रहे हैं, मतलब अपने धंधे पानी हम लोग कर रहे हैं, कोई गुंडे नहीं थे हम लोग। हमारा कोई एफआईआर है केवल एक 302 हुआ है जो अभिषेक तोमर में, उसमें हमको पंकज को छोटे भाई को उसको झूठा फंसाया गया था। आज ये सब लोग प्लानिंग करके आए हैं, इसमें परमाल तोमर, रमन चौहान, संजय तोमर ये सब लोग और दो तीन लोग आने थे, इनके आता है, इन्हीं ने गोली मारी है। अच्छा जो हाँ, और उसमें 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 कांग्रेस के कुछ नेता भी, अरे रोक लो अभी जी, खत्म 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 हो गया है वो। और ये पूरी पूरी हत्या एस पी साहब ने कराई है, एस पी नवनीत बशीर साहब ने हत्या कराई है, ये जान बूझ के एस पी साहब ने हत्या कराई है ये वैष्णोपुरम में। नाम क्या जी? मेरा छोटा भाई पंकज सिंह सिकरवार है। इससे हम एस पी साहब से मिले थे, पर्सनल मिले थे हम लोग, और तीन चार बार मिले। हमने ये कहा था इन पे तो एफ आई आर हो, एस पी साहब पे यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में महाप्रबंधक शैलेश रंजन के घर पर सुबह सीबीआई की टीम ने छापा मारा। मेरठ में पंजाब नेशनल बैंक में एजीएम रहे शैलेश रंजन हाल ही में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में महाप्रबंधक पद पर आए हैं। गाजियाबाद नंबर की दो गाड़ियों में सवार होकर टीम राम गंगा विहार स्थित इंपीरियल ग्रीन के फ्लैट में पहुंची। उनके चालक को बाहर रोक दिया गया और टीम ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। सीबीआई की टीम की जानकारी मिलते ही पूरी कॉलोनी में खलबली मच गई। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश रंजन। सर आज ये आपके यहाँ सीबीआई की टीम आई थी, क्या था पूरा मामला? बताया तो कि एक लोन खराब हुआ था, वो सीबीआई में केस हुआ था, तो सर्च कर रहे थे बस। कितना का लोन था सर? 10 करोड़ का। 10 करोड़ का, तो कहाँ से आई थी ये टीम? ये नहीं पता, ये सीबीआई की टीम थी क्या? कहाँ की टीम थी ये? मेरठ में एक दरोगा पर महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है। दरोगा पर गंभीर आरोप लगने के बाद जनपद भर में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। शिकायत मिलने के बाद आरोपी दरोगा पर थाना सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज कर उसे निलंबित कर दिया गया। साथ ही दरोगा विजय कुमार के ऊपर जाँच बिठाई गई है। हाँ, एक थाना क्षेत्र में एक सब इंस्पेक्टर पर एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मेडिकल और 164 का बयान व अन्य विधिक कार्रवाई करते हुए जो भी साक्ष्य उपस्थित होगा उसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर साक्ष्य मिलते हैं गिरफ्तारी के संदर्भ में तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। महिला की गरिमा को ध्यान में रखते हुए नाम और थाना हम अभी नहीं बता सकते हैं, उसकी गरिमा महत्वपूर्ण है। गरिमा वो निलंबित हो गया है और साक्ष्य एकत्रीकरण की कार्रवाई की जा रही है और पूरे साक्ष्य मिलते हैं उनको जरूर गिरफ्तार भी किया जाएगा। सर कहाँ तैनात थे, कौन है? तो जैसा मैंने आपको बताया उस शब्द पर ध्यान दीजिए। देखना चाहिए। क्या क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ इतना बलात्कार कराया है जो है विजय कुमार दरोगा, इसके साथ इसके पुलिस में कुछ एक्शन लेना चाहिए सर, जेल भेजना चाहिए इसके खिलाफ। 164 का बयान भी नहीं करवा रहे हैं, मेरे बचाव में लग रही है सब। कभी मुझे पैसों का लालच करवाता है, कभी कुछ करवावा है। तीन तारीख को हुई थी, मुझे मारने की धमकी दे रही है बार बार सिविल लाइन थाना में।
आज कप्तान साहब से मिले, आज इन्होंने कहा हो जाएगा और लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आज 64 के बयान नहीं हो रहे मेरे, कुछ नहीं कर रही पुलिस। मेरठ के सरदना में तैनात आशा कार्यकर्त्री से 5,000 की घूस मांगना स्वास्थ्य विभाग में तैनात एक बाबू को भारी पड़ गया। आशा कार्यकर्त्री की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी को पीड़िता से घूस वसूलते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पकड़े जाने के बाद आरोपी खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर रहा है। सरदना मेरठ में सामुदायिक केंद्र में प्रोग्राम डिज़ाइनर के तौर पर हैं और ये 5,000 रुपये की रिश्वत की इसने मांग की थी। पूनम जिनके पति अनिल हैं, इनके द्वारा कंप्लेंट आई थी और इन्होंने कहा था कि हमारे मानदेय हैं पिछले 2018 और 2019 के कुछ माह के, उनको लेने के संबंध में 5,000 रुपये की मांग की जा रही है। और ये रिश्वत के लिए इन्होंने पहले सरदना बुलाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि सीएमओ ऑफिस कार्यालय आ जाओ, वहीं पे मिलूँगा मैं। तो वहाँ ट्रांसफार्मर के लेफ्ट साइड में जो पानी वो उसका चाय का जो लगा है स्टॉल, वहाँ पे इन्होंने उससे 5,000 रुपये मांगे। वहीं एंटी करप्शन ने इनको अरेस्ट किया, मदन पाल को। अब लिखा पड़ी कि फर्द वगैरह की पूरी कार्रवाई की गई, परिवार को सूचना दे दी गई है, फर्द तैयार है और संबंधित पत्रावली जो जिसके रिश्वत की मांग की जा रही थी वो भी रिकवर हो गई है। धन्यवाद। मेरठ पुलिस ने मुठभेड़ में दो बदमाशों को घायल कर दिया है। पकड़े गए दोनों बदमाशों से दो तमंचे और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूरा मामला कितने से मुकदमा था, क्या नाम है? ये टिफी नगर में रात्रि लगभग 8 बजे वेदव्यासपुरी थाना वेदव्यासपुरी क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक टिफी नगर को ये सूचना प्राप्त हुई कि दो संदिग्ध व्यक्ति अवैध शराब लेकर कहीं जा रहे हैं। उनकी घेराबंदी करने पे उन्होंने उनके पास अवैध शस्त्रों से उन्होंने फायरिंग करके भागने लगे, जिसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान दो बदमाशों को पैर में गोली लगी है। इनमें से एक बदमाश की पहचान कल्लू के रूप में हुई है जो टॉप 10 में है और 25,000 का इनामी है। इसके अलावा जो है दूसरा आज़ाद और बीरसेन निवासी चौहानपुरी, ये दोनों ही टीपी नगर थाना क्षेत्र के हैं। दोनों के विरुद्ध लगभग 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत ओगाला में भारतीय किसान यूनियन की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में लोगों ने बताया कि ओगाला ग्राम पंचायत के राजस्व गांव खारडेर को नई ग्राम पंचायत आकल के साथ जोड़ा जा रहा है, पर इसका वो विरोध करते हैं। सर क्या समस्या है यहाँ? हमारी समस्या ये है खारडेर रेवनी है ग्राम पंचायत को जा ग्राम पंचायत नई बालू की गाड़ी बढ़ रही है, वहाँ उसमें हमको जोड़ा जा रहा है, हमको वहाँ कोई सुविधा नहीं है और हम वहाँ जुड़ना नहीं चाहते हैं। हम हमारे मूल ओगला में ही रहना चाहते हैं और वहाँ आकल में हम नहीं जाना चाहते हैं। आकल के साथ बालू खा के गाड़ी नहीं जाना चाहते, कोई हमारी सुविधा नहीं है, ना रास्ता है, ना कोई आने जाने के लिए मार्ग है, कोई आवास सुविधा नहीं है। हमारे को बहुत बड़ी परेशानियाँ खड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम हमारे मूल गाँव ओगला ग्राम पंचायत में ही रहना चाहते हैं, चाहे किसी की सूचना हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान। पश्चिमी यूपी के बिजनौर जिले में पुलिस ने एक मदरसे और एक मकान में छापा मारकर अवैध हथियारों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें एक मदरसा संचालक भी शामिल है। इन लोगों के पास से एक पिस्तल, 2 मैगजीन, 4 तमंचे और 24 कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। कंदला रोड शेरपुर में जो चुन्नी नंबर 4 के पास है, दारुल उगार हमीद मदरसा है, उसमें कुछ लोग और सामाजिक तत्व संदिग्ध व्यक्ति जो उसमें आते हैं, अवैध असलों के साथ आते हैं, कुछ लेन देन भी करते हैं, कुछ जो असामाजिक कार्य भी करते हैं। इस सूचना पर मैं जो है SO शेरपुर और पूरे स्टाफ के साथ वहाँ पर जो हमने तलाशी लिया है। तलाशी के दौरान एक कमरे में दवाई के कम से कम जो लगभग 100 डिब्बे थे, उन्हीं डिब्बों में जो छिपा करके जो है असलहा रखा गया था, उसका जो था कुछ रखा गया था जो है बरामद किया गया है। वहाँ पर मौके पर जो है 6 आदमी मिले हैं, उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की। लगभग कितने पिस्टल? 32 बोर का एक पिस्टल मिला है,
उसकी जो है 2 मैगजीन मिली हैं, उसके 8 कारतूस मिले हैं, 315 बोर के 3 तमंचे मिले हैं, उसके जो है 25 कारतूस मिले हैं और 32 बोर का 1 तमंचा मिलकर 16 कारतूस मिले हैं। राजाखेड़ा कस्बे में हुए जोरदार बरसात के बाद कस्बे के अधिकांश गली मोहल्ले में बरसात का पानी भरने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कस्बे के वार्ड नंबर 11, 12 और 13 सहित हॉस्पिटल रोड, नगरपालिका कार्यालय, उपखंड अधिकारी कार्यालय और आगरा बस स्टैंड पर तो स्थिति और भी भयावह हो गई है। रास्तों में घुटनों तक पानी भरने से लोगों की दिनचर्या काफी प्रभावित हुई है। देश में बढ़ते हिंदू द्रोही और देश विरोधी इस्लामिक जिहादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के संदर्भ में गंगापुर सिटी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर पंकज भैया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा गंगापुर सिटी में सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में लिखा है कि क्योंकि दिल्ली में, भोपाल में, जयपुर में जो मंदिरों को तोड़ा गया है उसके ऊपर राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। आइए इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। हमारे साथ में खड़े हैं सुरेश जी सेंगर। हाँ सर, सेंगर सर, आपको अब क्या कहना है इस बारे में, मंदिर के बारे में, जो मंदिर फोड़े गए हैं किस कारण से फोड़े गए हैं, क्यों फोड़े गए? केवल हिंदू धर्म को आघात पहुँचाने के लिए, हिंदू आस्था को आघात पहुँचाने के लिए ऐसी घटनाओं को किया जा रहा है। जैसे हमारी बहन बेटियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है, मंदिरों को आघात पहुंचाया जाता है, हमारे बुजुर्गों को आघात पहुंचाया जाता है। इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह पर टारगेट हो रहे हैं, तो ऐसा न समझे कि वो अकेले हैं। अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो उग्र आंदोलन होगा पूरे भारत में, और आज का जो ज्ञापन लगा है ये भी पूरे भारतवर्ष में लगा है। बस इनका कहना है कि यदि भारतवर्ष में मंदिर के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, तोड़ा फोड़ी, अपनी बहन बेटियां, नाबालिग बच्चियों के साथ में जो दुष्कर्म की वारदातें बढ़ती जा रही है, उस पर कब लगेगी रोक? इन अधर्मियों को और देशद्रोहियों को कानून सख्त सजा दें, जिससे हमें अपने हाथों में कोई कार्रवाई न लेनी पड़े, वरना बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपने हाथों में इस काम को लेकर खुद करेगा। हिंदुओं को हथियार उठाना पड़ेगा धर्म की रक्षा के लिए। हिंदुओं को हथियार उठाना पड़ेगा। जब तक हथियार नहीं उठाएंगे तब तक ये बस में नहीं आएंगे। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि जय श्री राम, जय श्री राम। गाजियाबाद के नए एसएसपी आते ही क्राइम कंट्रोल में लगे हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने आज गाजियाबाद के कविनगर थाने का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान ही सिपाहियों को उनकी गलती का एहसास भी कराया। साथ ही उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया और कहा कि आगे से ऐसी कोई भी गलती पाई गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठने के बाद थाने का निरीक्षण किया जाए तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज थाना कमी नजर आया। छोटी मोटी कमी मिली है, उन्हें पूरा करने के लिए थाना अध्यक्ष को निर्देशित कर दिया गया और समय दिया गया इन्हें 1 सप्ताह की सुधार कर। बैठी सर की सर कमियाँ मिली थाने के, जो रूटीन वर्क है, डेली वर्क है, जो लिखित पड़त से ऑफिस से संबंधित वर्क है। कुशीनगर में 170 जोड़े दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध गए। इनमें 24 मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे। विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित इस समारोह में अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने नव दंपतियों को सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि इसमें 140 जोड़ों का विवाह आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच करवाया गया। वही 24 मुस्लिम जोड़ों का निकाह मौलवी ने कराया। लुप्त होती जा रही है, तो क्या इस पे सरकार किसी तरह की मुहिम चला रही है और किस तरह की योजनाएं चलाने को? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनको संपूर्ण उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों की ओर से आभार व्यक्त करूँगा कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में उनके लिए दो मेरी सरकार चल रही है और उन्होंने गाँव में, गलियों में जो दराज लोग मिट्टी के कार्य पर आधारित परिवार उनका था, उनकी चिंता करके, उनकी भरपूर की चिंता करके एक माजिकला बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड के माध्यम से
क्योंकि पहले लोग जिस प्रकार से पूरा परिवार लगता था, पत्नी बेटे बच्चियाँ सभी पूरा परिवार लगता था, लेकिन प्लास्टिक के आने के बाद उनका दो वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया था। तो सारे लोग इस कार्य को छोड़ करके अन्य कार्यों में लग गए थे। मुख्यमंत्री जी ने हमारे यही विषय को लेकर के इस बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड के माध्यम से उन परिवारों को आधुनिकता में कैसे लाया जाए, इसकी चिंता ये बोर्ड करेगा। उनके बनाए हुए सामान की मार्केटिंग कैसे हो, ये व्यवस्था ये बोर्ड करेगा। हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में सर्वे करा रहे हैं कि मिट्टी पर आधारित कितने परिवार हैं। अभी 92,000 गाँव उत्तर प्रदेश में हैं। अभी हमारे पास 11,000 गाँव का आंकड़ा पहुंचा है, उसमें से 55,000 परिवार पाए गए हैं। हम लोग ऐसे ही हमने सभी जनपदों से एक रिकॉर्ड मांगा है कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उपयोगी जो मिट्टी होती है उनके लिए आवंटित पट्टों की क्या व्यवस्था है तहसील में। उसी के तहत आज ये हमारे सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारी, हमारे जिलाधिकारी हमारे साथ बैठे हैं, एडीएम बैठे हैं, सभी तहसीलदार बैठे हैं। उसी के तहत ये व्यवस्था ये बैठक थी और जानकारी ली गई कितने हमारे पास ऐसी ज़मीनें हैं जिनमें मिट्टी उपयोगता इस मिट्टी के कार्य के लिए हो सकती है, तालाब कितने ऐसे हैं। हिंडोन के गांव कुतुबपुर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का माहौल नहीं होने और शिक्षकों के समय पर स्कूल नहीं पहुंचने से ग्रामीण खासा नाराज हैं। आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। उत्तर प्रदेश में हुए खनन घोटाले के मामले में सीबीआई ने बुधवार को बुलंदशहर के जिलाधिकारी अभय सिंह की आवास पर छापेमारी की। सिंह पर आरोप है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में फतेहपुर जिले का डीएम रहते हुए उन्होंने अवैध खनन करवाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई की टीम बुधवार सुबह उनके आवास पर पहुंची और लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने अभय सिंह के आवास के साथ साथ उनके दफ्तर पर भी छापा मारा है। मऊ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अनियमित और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनपद के सभी थानों के साथ यातायात निरीक्षण को सख्ती से बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों का चालान करने के आदेश दे दिए गए हैं। आलम यह है कि हर जगह जनपद की पुलिस धड़ाधड़ हेलमेट के साथ गाड़ी के कागजात नहीं होने पर चालान काट रही है। मुरादाबाद के मजोला थाना क्षेत्र में रामलीला मैदान के पास एक गाय का बछड़ा नाले में गिर गया। क्षेत्र के लोगों ने बछड़े के नाले में गिरने की सूचना दमकल विभाग की टीम को दी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद गाय के बछड़े को नाले से बाहर निकाला और उसकी जिंदगी बचाई। बाइट एंकर व्यू 23। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रेलवे क्रॉसिंग स्थित दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में हिंदू युवा वाहिना की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने एक महीने से किए गए संगठन के कार्यों की समीक्षा की, साथ ही अगले एक महीने के कार्यों की कार्य योजना बनाई। बाइट एंकर व्यू 24। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के दीवानी न्यायालय परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शहादतपुरा नई बस्ती की रहने वाली नमिता पूरी पारिवारिक वाद को तारीख पर पहुंची और सास को देखकर भड़क गई और इस बीच सड़क पर ही अपनी सास को मारने पीटने के लिए दौड़ पड़ी। ये देख दीवानी परिसर की पुलिस ने बीच बचाव कर किसी तरह दोनों महिलाओं को अलग किया। वहीं डायल 100 नंबर पुलिस को बुलाकर सास को गंतव्य सास ने सास रिपीट वही डायल 100 नंबर पुलिस को बुलाकर सास को गंतव्य स्थान भिजवाया। बाइट एंकर व्यू 25। बुलंदशहर में नवागत डीएम रविंद्र कुमार ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल और तहसील का औचक निरीक्षण किया। बाइट तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीएमएन न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। बंद करना एक बार, ये हो गया बंद कर। मऊ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अनियमित और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
जनपद के सभी थानों के साथ यातायात निरीक्षण को सख्ती से बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों का चालान करने के आदेश दे दिए गए हैं। आलम यह है कि हर जगह जनपद की पुलिस धड़ाधड़ हेलमेट के साथ गाड़ी के कागजात नहीं होने पर चालान काट रही है। ये अभी कुछ दिन पूर्व यातायात पखवाड़ा मनाया गया, वो समाप्त हो गया है। जैसा आप देख रहे हैं, पुलिस को आपराधिक दृश्य से मोटरसाइकिलों से की जाने वाली वारदातों, लगातार हो रही दुर्घटनाओं में वाहन चालकों की मृत्यु और लोगों के घायल होने की बड़ी संख्या को देखते हुए हेलमेट लगाए जाने के अभियान चलाया गया। दोपहर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 11 बजे से 2 बजे तक और सभी थानों को निर्देशित किया गया कि 3 सवारी हों, मेरा नंबर हों, इसलिए जो मॉडर्न टाइप की स्पीडी मोटरसाइकिलें हैं और उनके पास कोई सुरक्षात्मक उपकरण है, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कार्रवाई 2 बजे तक की गई, आंकड़े अभी संकलित किए जा रहे हैं और कार्रवाई जारी रहेगी। ये जनता की सुरक्षा के लिए है, चालान इसलिए किया जाता है कि आपको आदत होनी चाहिए। आप ये समझते हैं कि हम क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है जब किसी के घर का कोई मर जाता है या इस तरह घायल हो जाता है कि 2-4 महीने अस्पताल में गुजारना पड़े। लोगों से अपील भी है कि हमारे इस अभियान में सहयोग दें और मोटरसाइकिल को अपनी आदत बनाए हेलमेट पहनने को, न कि दबाव किसी तरह से। जब आप ऐसा करेंगे आप स्वयं सुरक्षित रहें, आपका परिवार खुशहाल रहेगा। सर, मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में रामलीला मैदान के पास एक गाय का बछड़ा नाले में गिर गया। क्षेत्र के लोगों ने बछड़े के नाले में गिरने की सूचना दमकल विभाग की टीम को दी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद गाय के बछड़े को नाले से बाहर निकाला और उसकी जिंदगी बचाई। मेरा नाम रोहतास कुमार। जी बताइएगा, क्या सूचना मिली थी आपको? जो सूचना मिली थी कि लाइन पार रामलीला ग्राउंड के पास में नाले में एक गाय गिरी हुई, उसको निकालने जा रहे थे। हम तुरंत जो है मौके पर आए, आकर के नाला ढूंढा वाला, गाय मिल गई, उसको हमने निकाल दिया। कितना समय लगा आपको निकालने में? लगभग 10-15 मिनट लग गए। टोटल कार्रवाई में लगभग 10-15 मिनट। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रेलवे क्रॉसिंग स्थित दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में हिंदू युवा वाहिना की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने एक महीने से किए गए संगठन के कार्यों की समीक्षा की, साथ ही अगले एक महीने के कार्यों की कार्य योजना बनाई। देखिए, आम जनमानस के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी तमाम अधिकारियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए लगातार जनपद सुरक्षा अधिकारियों को भी हम लोग अवगत कराते रहे कि यहाँ फलाने फलाने जगह आपके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत कार्य हो रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन जनपद के शीर्ष अधिकारी भी कहीं ना कहीं कान बंद करके रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं बढ़ी और सरकार के प्रति नकारात्मक संदेश आम जनमानस में जा रहा, जबकि पूज्य योगी जी की सरकार लगातार आम जनमानस के लिए कार्य कर रही है, आम जनमानस को योजनाओं को पहुँचाने के लिए कार्य कर रही है। लेकिन ये अधिकारियों में सुधार न होने के कारण हम लोगों को मैंने मजबूरन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को 1 सप्ताह के अंदर ही हम लोग अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से और भी विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से तथ्य के साथ वो सारे बिंदु जो है रखे गए हैं और वो सारे बिंदु तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे जाएंगे और जो भी सरकार को लगेगा उसमें कार्रवाई करेंगे। आज बैठक थी जिले कार्य समिति की बैठक, पूरे महीने भर में संगठन के द्वारा हम लोग समीक्षा करते हैं क्या क्या कार्य हुआ। हमारे जनपद के भ्रष्टाचारी कौन कौन अधिकारी हैं जो सरकार के विरोध में कार्य कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, इसकी हम लोगों की हम लोग जानकारी निकाल रहे हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से और पूरी रिपोर्ट तैयार करके अपने जनपद के भ्रष्ट अधिकारी, पुलिस विभाग और राजस्व के कर्मचारियों की पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग देंगे। इसी के संदर्भ में हमेशा हमारी मासिक बैठक हुआ करती है, समय समय पे अपनी हम रिपोर्ट संगठन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करते हैं। इसी संदर्भ में हमारी मीटिंग थी। किन किन अधिकारियों का नाम? उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के दीवानी न्यायालय परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शहादतपुरा नई बस्ती की रहने वाली नमिता पूरी पारिवारिक वाद को तारीख पर पहुंची और सास को देखकर भड़क गई और इस बीच सड़क पर ही अपनी सास को मारने पीटने के लिए दौड़ पड़ी। ये देख दीवानी परिसर की पुलिस ने बीच बचाव कर किसी तरह दोनों महिलाओं को अलग किया। मेरी बेटी है शानवीपुरी,
मेरे ससुर जी हिंडालको में इंजीनियर थे, उसके बाद जब वो मर गए तो उनके नाम 5 बीघा जमीन था, माँ बेटे के नाम पे आधा आधा प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई, और उसके बाद दोनों के दोनों अय्याशी करने के चक्कर में पुश्तैनी जमीन बेच गए और कहीं अलग अलग शहर में जाके अपना घूम रहे, खा रहे, इंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ 2 साल से कचहरी में न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आज 2 साल बाद मेरी सास दिखी, हमको उससे बात करना था, इस पुलिस वाले ने भगा दिया, 100 नंबर की गाड़ी में बैठा दी और हमको हड़काने की कोशिश। क्या चाह रहे हैं आप? क्या क्या रहे हैं साहब? जब आपकी पति चला गया दूसरे की बीवी को लेकर, उसकी नंगी तस्वीर तक हम रखे हैं एविडेंस के रूप में, इसीलिए तो वो आता नहीं कचहरी में, फरार है वो, एक्सकॉन्डर हो गया है। आप लोग का मुकदमा, और ये सास जो है, हाँ, और ये जो सास ये कहती है कि हम ये बीवी मिले हुए और वो विधवा है, उसको हम प्रताड़ित कर रहे हैं, घर से तो हम निकाले जा रहे हैं, मेरी बेटी कहाँ रहेंगे बताइए। हम पहले दहेज लेना था तो बेटा को पता नहीं क्या क्या बोल के खूब 10 लाख रुपया ले ली, शादी हो गया और उसके बाद बेटा भगा दी दूसरे की बीवी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपने घर पे क्यों कर दी, क्यों यहाँ पे बीच सड़क पे आप? वो घर पे नहीं रहती है ना, जमीन बेच के जो भी नोट मिला इन लोग को, माँ बेटे 5-star होटल में घूम रहे, खा रहे, पी रहे, इंजॉय कर रहे हैं, हम घर में बेटी के साथ अकेले रहते हैं। आज ये सामने दिखी तो हम सोचे हम बात करें, तब तक 100 नंबर बुला ली। इतने महिलाओं को तो ऐसे भी सरकार ने इतना प्रेफरेंस दिया हुआ है, ये साहब ज्यादा जो है इन्होंने भगा दिया। रहने वाली कहाँ की है? बात तो करते हैं हम, आखिर वो क्या चाहते हैं, मुझे क्यों मेरी बेटी के साथ घर से निकाल रहे हैं? बेटी पैदा की हूँ इसलिए, बेटा नहीं पैदा की, ये इतना बड़ा समाज में कलंक पैदा कर ली मैं। साथ रहने वाले लगता है कि इसी पुरानी तहसील भारत गैस एजेंसी के पास महिला सिपाही को लेकर सर कचहरी गेट पे आ जाए। आपका तलाक का भी केस चल रहा है क्या पति के साथ? सर यहाँ पे तो वो 2 साल से आया नहीं, तो मिर्जापुर कोर्ट में तलाक का एविडेंस वो फाइल किया है तलाक, ताकि हम और हमारी बेटी कोर्ट तक कभी पहुँच ना सके, क्योंकि मैं पूर्वांचल की लड़की नहीं हूँ, मैं असम की लड़की हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट की लड़की हूँ। गोवा बीच क्यों, पति मर जाने के बाद कोई गोवा बीच घूमता है स्कर्ट पहन के? हम तो नहीं जानते थे पूर्वांचल का सभ्यता ऐसा घटिया है। किस तरह का हंगामा हो रहा था, बस थोड़ा सा बता दो। कोई हंगामा नहीं है। बुलंदशहर में नवागत डीएम रविंद्र कुमार ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल और तहसील का औचक निरीक्षण किया। एब्सेंट मिले हैं और बाकी रजिस्टर मुझे बताया गया है कि 7 रजिस्टर हैं, सब कुछ है। जो एब्सेंट मिले हैं डॉक्टर, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, अभी शोकॉज नोटिस दिया जाएगा कि किन कारणों से एब्सेंट है, इसके बाद फिर फर्दर कार्रवाई। सर, बुलंदशहर भ्रष्टाचार के मामले में एकदम मुखर हुआ है, भ्रष्टाचार को लेकर के आपकी किस तरह की मुहिम रहेगी? बताया जा रहा है शस्त्र लाइसेंस का भी यहाँ एक रेट बन गया है और बाकायदा फार्म भी बेचे जा रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार दूर करना सरकार की प्राथमिकता है और सरकार की सारी प्राथमिकताएं मेरी प्राथमिकताएं हैं, तो ऑब्वियस है कि भ्रष्टाचार मुक्त करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैंने अपने पूर्व तैनाती में भी, जब जिले में मेरी तैनाती थी उसमें भी हमने काफ़ी सारे स्टेप लिए हैं और यहाँ भी प्राथमिकता रहेगी, बट आज मैंने चार्ज लिया है तो थोड़ा सा फ्यूमराइज हो कि उसके साथ। कोई स्ट्रेटेजी बुलंदशहर डीएम की, कोई प्लानिंग भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की? नहीं, बिल्कुल प्लानिंग, देखिए आप लोगों के माध्यम से सूचना आती है, फिर लोगों के माध्यम से सूचना आती है, चाहे वो लोगों से मिलता हो ऑफिस में उस समय आए या फिर भरवन के समय में आए, तो उसको जो भी केसेज आएंगे उनको मतलब फॉलो अप करके उसका निवारण किया जाए। ठीक है सर, थैंक यू।